अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद सालेहा। आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलें शुरू करते हैं। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, लहसुन 2 टीस्पून, एक प्याज लेने, उसे छोटा छोटा चॉप्ड कर लें, 4 से 5 टमाटर ले लें और उसको पेस्ट बना लें, नमक हसबे ज़ायका, चीनी 1 चाय का चम्मच, 2 चम्मच रेड चिली, 2 चम्मच ऑयल, 1 कप केचप का ले लें, 1 चम्मच ओरिगैनो लीव और 1 चम्मच बेजल लीव। सबसे पहले ऑयल डालें, और उसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दें, और अच्छे से पकाएं। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, इतना पकाना है कि जो लहसुन का पानी है वो सिर्फ ड्राई हो जाए। इसके बाद हम प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को भी लाइट ब्राउन करना है। कि अच्छा सा सुनहरी सा कलर आ जाए, ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसके बाद जो टमाटर हमने पेस्ट किए हुए थे वो डालने हैं और उसको अच्छे से पकाना है। कि टमाटर का भी सारा पानी ड्राई हो जाए। हमारा सारा पानी ड्राई हो चुका है। पानी ड्राई होने के बाद नमक डालें और अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद चीनी डालें, कुटी हुई लाल मिर्च, और अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद आप केचप डालें और ओरिगैनो लीव
और बेजल लीव, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको अच्छे से पकाएं ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। लीजिए, हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब चूल्हा बंद कर देंगे ताकि सॉस ठंडी हो जाए और हम इसको बॉल में निकाल लें। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आने वाली वीडियोस में पिज़्ज़े की भी रेसिपी आपको मैं बहुत जल्द बताऊंगी। फीडबैक देना मत भूलिएगा। शुक्रिया।